नमस्कार, पीसीएस सारथी के इस चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही बघेलखंड रियासत पर चर्चा की थी, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बघेलखंड रियासत के लगभग सारे राजा और प्री और मेंस में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, उन पर कैसे लिखना है, उन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हुए इस अध्याय को आज हम समाप्त करने वाले हैं। बघेलखंड रियासत को, बघेलखंड रियासत और बुंदेलखंड, बुंदेलखंड हमारी समाप्त हो चुकी है, बघेलखंड आज समाप्त हो जाएगी, इसका बचेगी सिंधिया, होलकर और गोंडवाना। ये मुख्य रियासतें हैं जिन्हें पढ़ना है। और हम वास्तव में कर तो मेंस की आंसर राइटिंग पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, परंतु ये नया जुड़ा हुआ टॉपिक इसलिए चाह रहा हूं कि मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं, जिससे आपके प्री भी कवर हो जाए और मेंस भी कवर हो जाए। और जैसा कि आपको पता है कि पीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है कि किस किस तारीख को हम क्या क्या करने वाले हैं, वो सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके अनुसार थोड़ी सी हम तैयारी को अपनी और बूस्टअप कर लेते हैं, प्री मेंस दोनों को कंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी रियासतें खत्म होगी, हम फिर से अपनी मुख्य भूमिका अर्थात मेंस की तैयारी में जुट जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज के लिए हम शुरू करते हैं इस सेशन को। तो इस सेशन में जो हमने पढ़ा हुआ था, एक बार मैंने फिर से रिवाइज करा देता हूं कि ये बघेलखंड रियासत है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में है। जब देश को आजादी मिली तो बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर विंध्य प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी कि छोटा सा ये विंध्य प्रदेश था, 1950 से 56 तक था, 56 में ये हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गया और इस विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी। एग्जाम में आएगा कि ये विंध्य प्रदेश बनाने के लिए अर्थात बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाने के लिए विंध्य प्रदेश में कौन आए थे। तो इस विंध्य प्रदेश में आने का काम किया था वीएन गाडगिल ने। वीएन गाडगिल आए थे और वीएन गाडगिल ने बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर विंध्य प्रदेश बना दिया, जो 1950 से लेकर 56 तक चलता रहा, जिसकी राजधानी रीवा थी, बाद में मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया, ठीक है। फिर बघेल की हमने चर्चा की थी, जो गुजरात में थे, ये हम चर्चा कर चुके हैं, सोलंकी वंश से थे, वो यहां आकर गहोरा में रहने लगे थे और फिर वो गहोरा में उन्होंने आकर बघेल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। हमें भी बात कर चुकी थी, व्याघ्र देव ने मारफा किला किया, परिहार वंश की, करण देव, ये सारी हमारी चर्चा हो चुकी है, ठीक है। और हमने आपको पूरे राजाओं की लिस्ट भी आपको बता दी थी। हम पिछले क्लास का एक रिवाइज कर रहे हैं कि हम कहां तक पढ़ चुके थे, ठीक है। तो वो एक रिविजन चल रहा है कि यहां पर हमने भीमल देव पढ़ लिया था, जिन्होंने 1236 में, फिर उसके राजाओं की लिस्ट थी जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केवल लिस्ट लिखाने का उद्देश्य या बताने का उद्देश्य केवल एकमात्र ये होता है, जिससे कि आपको एक क्रोनोलॉजिकल, एक सीक्वेंस में सारी चीजें मिल लगे, जिससे चीजें आसान हो जाए। फिर उसके बाद हमने चर्चा की थी कि किस तरह भैरम देव, नरहरि देव, भीर देव, सालीबाहन, इनके बारे में बताया था मैंने आपको। फिर इनके बारे में रामचंद्र सिंह तक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, पर मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि रामचंद्र सिंह को लिखना कैसे है, इस बांधवगढ़ के महाराज को लेकर, इस पर हमने कुछ चर्चा की हुई थी। तो इसी प्रश्न के उत्तर में अगर आ जाए 50 शब्दों में कि महाराजा रामचंद्र देव के बारे में लिखिए, तो आप महाराजा रामचंद्र देव के बारे में पहली लाइन क्या लिखेंगे, इब्राहिम शाह सूर को पराजित किया। देखिए, जो इब्राहिम शाह सूर कौन है, शेर शाह सूरी के बाद वाले इब्राहिम शाह सूर है, उनको पराजित किया, बांधवगढ़ को अपनी राजधानी बनाने का काम किया, कालिंजर किले को खरीदा, शेरशाह के दामाद से इस कालिंजर किले को खरीद लिया, किससे खरीदा, शेरशाह के दामाद से इस किले को खरीद लिया, गाजी खां उसका नाम था। ये लाइन आ जाएगी आपकी। दूसरी बात आएगी, अकबर का समकालीन है, 1564-65 में अकबर के प्रमुख सरदार, ये देखो प्री का फिर क्वेश्चन आ गया, जलाल खां कुर्ची, कौन गया था दरबार में, जलाल खां कुर्ची ने तानसेन की मांग की, जो बाद में अकबर के दरबार के बने। तो तानसेन को मांगने के लिए कौन गए थे, जलाल खां कुर्ची जो है वो अकबर के। हाँ जी प्रतीक्षा, 7 बजे क्लास है, ठीक है, 7 o'clock पर हमारी पॉलिटी की भी क्लास है, ठीक है। तो जलाल खां कुर्ची, वह हो चीफ सरदार जलाल खां कुर्ची रीस रामचंद्र एंड डिमांडेड तानसेन हु लेटर बिकम द नवरत्न ऑफ अकबर्स कोर्ट। बाद में क्या हुआ कि अकबर और रामचंद्र देव के थोड़े से संबंध जो है वो बिगड़ गए। बिगड़ने का कारण यह है कि अकबर, रामचंद्र देव ने
अकबर के विरोधियों को अपने यहां शरण देना शुरू कर दिया, जिससे अकबर नाराज हो गया। उसने कालिंजर के किले पर 1569 में अटैक कर दिया। अकबर डिड द कालिंजर्स कैंपेन, देन हैंडेड ओवर द की ऑफ रामचंद्र फोर्ट टू अकबर। तब रामचंद्र घबरा गया और उसने अपने किले की चाबियां अकबर को सौंप दी। 50 वर्ड्स में आपका हो जाएगा इतना, ठीक है? तो इतना 50 शब्दों में आपका तैयार हो जाएगा। ये 50 वर्ड्स ही तो लिखना है आपको, इसका कोई लिखने की जरूरत है नहीं रामचंद्र देव के बारे में। हाँ, रामचंद्र देव को क्या हुआ कि इलाहाबाद के पास एक जागीर मिली, कुछ घोड़े कुछ हाथी अकबर ने गिफ्ट कर दी कि भाई तुमने कालिंजर का किला बिना लड़े ही हमको दे दिया है। तो हो जाएगा आपका रामचंद्र देव, जो हम पिछली बार भी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं वीरभद्र सिंह की। वीरभद्र बहुत ही कम समय के लिए रहे। वीरभद्र सिंह रामचंद्र देव के पुत्र थे। अकबर के पास पहुंचे, बोले भैया हमको साइन करके दो कि हम यहाँ के राजा हैं। तो अकबर ने साइन करके दिया, वहां से नियुक्ति पत्र ही लेकर आ रहा था, पर रास्ते में गिर गया। वो रास्ते में शहडोल जिले के बरौधा में गिर गया और फॉलिंग फ्रॉम पालकी इन बरौधा, बरौधा है वो, है ना, बरौधा BARODHA इन शहडोल डिस्ट्रिक्ट, उसकी वही मृत्यु हो गई। और यहीं पर उसकी छतरी बनी हुई है जिसको हम कहते हैं समाधि, यही बनी हुई है वीरभद्र सिंह की। वीरभद्र सिंह बड़े विद्वान थे। वीरभद्र सिंह ने संस्कृत में कंदर्प चूड़ामणि, देखिए फिर प्रश्न आ जाएगा एग्जाम का, कंदर्प चूड़ामणि किसने लिखा है? तो वीरभद्र सिंह ने कंदर्प चूड़ामणि और 10 कुमार पूर्व कथासार लिखा। इनके दरबार में रहते थे पद्मनाभ मिश्र रहते थे, जिन्होंने वीरभद्र देव चंपू लिखा। क्या लिखा है? वीरभद्र देव चंपू। ये फिर प्री के क्वेश्चन हो गए, तो इसको याद करेंगे कि वीरभद्र देव चंपू के लेखक कौन है? पद्मनाभ मिश्र। कौन है ये? वीरभद्र सिंह के दरबार में। वीरभद्र सिंह ने स्वयं कोई पुस्तक लिखी है? यस, कंदर्प चूड़ामणि और 10 कुमार पूर्व कथासार पुस्तक लिखने का था। अब बेचारे की डेथ ही हो गई तो शासक ही नहीं बना, इसलिए इनका शासन यहीं पे खत्म हो गया। 3 मार्कर में आ सकता है, 3 मार्कर में याद कर लेंगे कि बरौदा में मृत्यु, 2 पुस्तक लिखी और पद्मनाथ मिश्र ने वीरभद्र देव लिखी, ठीक है? चलिए भवानी नमस्कार। अब फिर आएंगे महाराजा विक्रमादित्य, रीवा के राजा है। इनके समय हुआ क्या कि रीवा के राजा के समय, इनके समय इंद्र सिंह ने पथराड स्टेट बना दिया, सरूप सिंह ने पड़सी स्टेट, मनगढ़ राय ने चंदिया, ये देखिए मनगढ़ राय ने चंदिया, सरूप सिंह ने पनासी, इंद्र सिंह ने पथरहाट, ये 3 नए राज्य बन गए इनके समय। कितने राज्य बन गए? 3 राज्य बन गए विक्रमादित्य के समय। पर विक्रमादित्य के समय की सबसे जो खास बात है, वो खास बात है 1618 में रीवा शहर की स्थापना। सबसे महत्वपूर्ण बात है 1618 में रीवा शहर की स्थापना। तो रीवा शहर की स्थापना किसने की है? विक्रमादित्य सिंह ने जो है वो रीवा शहर की स्थापना की है। इसलिए अब ये बांधवगढ़ नहीं, रीवा के राजा के रूप में जाने जाएंगे। किसके रूप में जाने जाएंगे? रीवा के महाराजा। नाउ दे नोन एज अ रूलर ऑफ, किंग ऑफ, महाराजा ऑफ रीवा, ठीक है? रीवा अब इस समय बन जाएगी कैपिटल ऑफ बघेलखंड। रीवा क्या बन जाएगी? बघेलखंड की राजधानी बन जाएगी, ठीक है? कोई डाउट इसमें? अब क्या होगा, एक गलती इनसे हो जाती है, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है? इन्होंने क्या किया, अकबर की अधीनता को अस्वीकार कर दिया, ठीक है? जिससे अकबर ने आक्रमण कर दिया। तब इन्होंने बांधवगढ़ को त्याग दिया और बांधवगढ़ को त्यागने के कारण फिर बाद में हारे और अकबर के दरबार में पहुंचे। इसलिए कुछ समय तक यहां मुगलों का शासन रहा है, लगभग 1597 से लेकर 1602 तक मुगलों का प्रत्यक्ष शासन रीवा में रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि इन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया। अकबर नाराज हो गया, हमला कर दिया, बांधवगढ़ छोड़ना पड़ा, भाग गए और फिर
कुछ समय तक मुगलों का शासन था। 1605 में जहांगीर के बनते ही विक्रमजीत फिर से बघेलखंड के साथ, जैसी जहांगीर से इनके अच्छे संबंध थे और जहांगीर ने इनको क्या बना दिया, रीवा का शासक बना दिया। तब इन्होंने क्या किया, फिर बोला कि बांधवगढ़ चाहिए, तो फिर मुगलों से लड़ाई हुई, बाद में समझौता हुआ और बांधवगढ़ भी मिल गया। तो इन्होंने बांधवगढ़ को अपनी सैन्य राजधानी बनाया और रीवा को राजधानी बनाया, तो बांधवगढ़ क्या बन गया, सैन्य राजधानी। ठीक है, बाद में बांधवगढ़ क्या बन गया, सैन्य राजधानी बन गया और रीवा को राजधानी बना दिया। ये देखिए बांधवगढ़ क्या बन गया, सैन्य राजधानी, और रीवा क्या बन गई, राजधानी। बांधवगढ़ द मिलिट्री कैपिटल, रीवा द कैपिटल। रीवा राजधानी बनी और बांधवगढ़ बनी सैन्य राजधानी। इतना ही पढ़ना, अब ये सब मत पढ़िए कि अधीनता स्वीकार कर दी तो कौन अकबर ने किसको भेजा, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये किसको भेजा ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मानसिंह को भेजा था के लड़के पुत्र महासिंह को भेजा, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं किसको भेजा, महासिंह को भेजा, अंत में समझौता हुआ तो बांधवगढ़ भी इसे प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे राजा है अमर सिंह द्वितीय, ये भी अब रीवा के नाम से जाने जाएंगे राजा। 1624 से लेकर 40 तक का समय है अमर सिंह द्वितीय का। तो अमर सिंह द्वितीय के काल की जो प्रमुख घटना है वो क्या है, अब मुगलों को जरूरत पड़ी कि भाई बुंदेला शासक जुझार सिंह, याद करें जुझार सिंह ने विद्रोह कर दिया ओरछा के अपने लड़के विक्रमजीत के साथ शाहजहां के काल में। आपको याद होगा शाहजहां के काल में जुझार सिंह ने विद्रोह कर दिया, पैसे का हिसाब मांगा तो जुझार सिंह भाग गया, बाद में सरेंडर करना पड़ा, तो दक्षिण चला गया, मुगलों की सेवा की, पर अचानक आया और चौरागढ़ पर हमला कर दिया उसने। ये बात मुगलों को पसंद था, मुगलों के साथ देने का काम किसने किया, रीवा के राजा अमर सिंह द्वितीय, रीवा मुगलों के साथ मिलकर बुंदेला शासक जुझार सिंह को पराजित करने का, किसको हराया, बुंदेला शासक जुझार सिंह, किसके साथ मिलकर, मुगलों के साथ मिलकर। अमरपाटन शहर की नींव डाली, अमरपाटन एक जगह है। ठीक है, आप जब मैहर से रीवा जाएंगे तो मार्ग में अमरपाटन पड़ेगा, तो अमरपाटन की नींव डालने वाले कौन है, अमर सिंह है, जिन्होंने अमरपाटन शहर की नींव डाली। ये देखिए फिर प्री का एक अच्छा क्वेश्चन हो गया और 50 वर्ड्स और 3 मार्कर में अमर सिंह। दरबारी कवि, इनके दरबार में रहते थे, कौन से कवि रहते थे, नीलकंठ, जिन्होंने क्या लिखी, अमरेश विलास कोश नामक ग्रंथ लिखा। तो अमरेश विलास कोश पुस्तक के लेखक कौन है, नीलकंठ। नीलकंठ किसके दरबार में रहते थे, तो महाराजा अमर सिंह द्वितीय के दरबार में नीलकंठ रहते थे। किसके दरबार में रहते थे, अमर सिंह द्वितीय के दरबार में नीलकंठ। इतना ही तो लिखना आपको बस, 3 मार्कर में अगर आ जाए, इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है अमर सिंह। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर आएंगे अनूप सिंह, रीवा के अगले राजा बनेंगे अनूप सिंह, 1643 से 1643 से 1660। अब देखिए इनके समय क्या हो रहा है, सिमरिया बन गई जागीर, गुड़ बन गई, रामनगर बन गई, देवड़ा बन गई, ठीक है, ठीक है, देवराज नगर बन गई, मनिकसर बन गई, रामनगर इटमा, इतनी सारी जागीर बन जाती। कुंवर यशवंत सिंह कहां पहुंच जाएंगे, गुड़ में। मुकुंद सिंह कहां पहुंच जाएंगे, सिमरिया में। जुझुर सिंह कहां पहुंच जाएंगे, रामनगर इटमा में। पहाड़ सिंह कहां चले जाएंगे, स्टेट ऑफ देवरा में। हिंदू सिंह कहां चले जाएंगे, देवराज नगर में। रचपाल सिंह जोदेव कहां चले जाएंगे, मनिकसर में। इस तरह हम देखें तो छोटी छोटी रियासतों का निर्माण जो रीवा बघेलखंड राज्य के अधीन है अनूप सिंह के काल में बनना शुरू हो जाएगा। किसके काल में बनना शुरू हो जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन कौन ने किस किस की शुरुआत की, गुड़ यशवंत सिंह, सिमरिया मुकुंद सिंह, रामनगर इटमा जुझार सिंह, देवरा पहाड़ सिंह, देवराज नगर हिंदू सिंह, मनकिसर रचपाल सिंह। ठीक है, अब अनूप सिंह की खुद की उपलब्धियां क्या है वो भी देखते हैं कि अनूप सिंह की उपलब्धियां क्या है। तो
अनूप सिंह जो है, अनूप सिंह की उपलब्धि पहले, इन्हें पहाड़ सिंह बुंदेला, ये कौन है पहाड़ सिंह बुंदेला, ओरछा का शासक है पहाड़ सिंह बुंदेला, उसके आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ये परिवार सहित त्योथर के जंगल में चले गए। कहां चले गए? त्योथर के जंगल में चले गए। पहाड़ सिंह बुंदेला कौन है? ओरछा का शासक है पहाड़ सिंह बुंदेला। उसने जब आक्रमण किया तो ये कहां चले गए? परिवार सहित त्योथर चले गए। ठीक है, बाद में इन्होंने शाहजहां से भेंट की, शाहजहां से मुलाकात की, इसलिए पुनः रीवा राज्य मिल गया। कौन सा राज्य मिल गया? रीवा राज्य पुनः प्राप्त हो गया, और शाहजहां ने इन्हें सिंह हुजूरी की उपाधि दी। द गॉट द टाइटल ऑफ सिंह हुजूरी। शाहजहां ने कौन सा उपाधि दी इनको? सिंह हुजूरी की उपाधि देने का काम किसने किया? शाहजहां ने किया। राज्य इनका क्यों बचा? क्योंकि शाहजहां से इनके संबंध बेहतर थे। ठीक है, चलिए, अभी पहाड़ सिंह बुंदेला का आक्रमण झेला है, और अब आक्रमण इन लोग को झेलना पड़ेगा छत्रसाल का। मैहर के क्षेत्र पर आक्रमण किया और माधो सिंह को बंदी बना लिया। तब इनकी मुक्ति हेतु बघेलों ने बुंदेलों को 3,000 वार्षिक कर देने का वचन दिया। छत्रसाल ने कहा आक्रमण किया? मैहर। कहा आक्रमण किया? मैहर क्षेत्र पर। किसको बंदी बना लिया? माधो सिंह को। किसकी मुक्ति चाहिए इनको? माधो सिंह की। तो क्या वादा किया बघेलों ने? कि हम 3,000 रुपए वार्षिक कर देंगे। सो बघेल प्रॉमिस टू पे एन एनुअल टैक्स ऑफ 3,000 टू बुंदेला फॉर द रिलीज ऑफ माधो सिंह। माधो सिंह की मुक्ति के लिए बघेलों ने बुंदेलों को 3,000 रुपए वार्षिक कर देने का वादा। तो यह घटना है अनूप सिंह के समय की महत्व। क्लियर है? एक और घटना अनूप सिंह के समय की जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अनूपपुर नगर बसा है, और आज अनूपपुर जो है वो क्या है? अनूपपुर है, सॉरी अनूप नगर की जगह इसको आज हम अनूपपुर कहते हैं। अनूपपुर नगर बसा है, जो आज जिला है मध्य प्रदेश। किसने बसाया? अनूप सिंह ने बसाया। तो अनूपपुर किसने बसाया? अनूप सिंह ने बसाया, याद रहेगा। चलिए, अगले राजा है रीवा के भाव सिंह। भाव सिंह बड़े विद्वान शासक है, संस्कृत भी जानते हैं, फारसी भी जानते हैं, बड़े धार्मिक, बड़े पढ़े लिखे शासक। ठीक है, और भाव सिंह जो है, देखिए क्या होता है, राजा का काम है राज्य की रक्षा करना, प्रशासन करना। शिक्षा या खुद का विद्वान होना एक अलग विषय है, वो अच्छी चीज है अगर वो राजा विद्वान है, पर मूल काम क्या है? प्रशासन और रक्षा। तो भाव सिंह के समय साहित्य का विस्तार तो होगा, परंतु कहीं ना कहीं इससे रीवा राज्य की रक्षा और प्रशासन थोड़ा सा कमजोर हो जाए। तो भाव सिंह क्या है? संस्कृत के विद्वान है भाव सिंह। देखिए, फिर प्रश्न बन गया आपके, खुद लिखी इन्होंने होत्र कल्पद्रुम। ये किसने लिखी है? भाव सिंह ने लिखी है। हिमसेल्फ कंपोज होत्र कल्पद्रुम। बघेलखंड के शासक भाव सिंह ने एक पुस्तक लिखी संस्कृत में, इसका नाम है होत्र कल्पद्रुम, और इनके दरबार में रहते थे रूपानी शर्मा। ये फिर देखिए अच्छा प्रश्न हो गया, रूपानी शर्मा किसके दरबार में रहते थे? भाव सिंह। क्या पुस्तक का नाम है? बघेल वंश वर्णम। मतलब बघेल वंश का वर्णन अगर आपको पढ़ना है तो रूपानी शर्मा की किताब पढ़ लीजिए, कि जिसमें बघेल वंश वर्णम में सारी जानकारी लिखी मिल जाएगी। अच्छा प्रश्न हो गया कि बघेल वंश की कथा या बघेल वंश की जानकारी किस बेहतर पुस्तक में मिलेगी? तो बघेल वंश वर्णम में मिलेगी। लेखक कौन है? रूपानी शर्मा। किसके दरबार में रह रहे हैं? भाव सिंह के दरबार। ठीक है, जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे। किसके अनन्य भक्त थे? जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे, और इन्होंने मुकुंदपुर, कोटक और रीवा में जगन्नाथ जी की मूर्ति स्थापित कर, कहां कहां करवाई इन्होंने जगन्नाथ जी की मूर्ति स्थापित? मुकुंदपुर में करवाई, कोटर में करवाई, रीवा में करवाई। तीन जगह पर इन्होंने जगन्नाथ जी की विग्रह यानी उनकी मूर्ति को स्थापित करने का काम किसने किया? भाव सिंह ने किया। ठीक है, तीन जगह स्थापित। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बिल्कुल प्री में क्वेश्चन आने वाला है, ये थ्री मार्कर में भाव सिंह के लिए कितना मैटर हो गया, आप खुद देख रहे हैं कि थ्री मार्कर के लिए भाव सिंह के लिए काफी मैटर है, 50 वर्ड्स के लिए मैटर है।
महामृत्युंजय का मंदिर बनवाया जहां पे मेला लगता है, महामृत्युंजय का मेला। रीवा में लंबा घर, मोती महल का निर्माण करवाया। इनकी पत्नी ने रीवा शहर में विशाल तालाब बनवाया, ह्यूज पॉन्ड इन रीवा सिटी। अजब कुमारी देवी ने रीवा में एक विशाल तालाब बनवाने का कार्य किसने किया? भाव सिंह की पत्नी ने किया। क्लियर है? किसने किया? भाव सिंह की पत्नी ने रीवा शहर में अजब कुमारी नाम है एक बड़ा तालाब बनवाया। और रीवा में लंबा घर मोती महल का निर्माण कौन करवा रहा है? स्वयं भाव सिंह करवा रहा। महामृत्युंजय का मंदिर कौन बनवा रहा? भाव सिंह। ठीक है, तो भाव सिंह तैयार कर लीजिए इसको। ठीक है, भाव सिंह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये 50 वर्ड्स में भी आ सकते हैं भाव सिंह, 3 मार्कर में भी आ सकते हैं भाव सिंह। तो भाव सिंह को अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिरुद्ध सिंह 1692 से 1700, कोई विशेष उल्लेखनीय नहीं है पर फिर भी एक लाइन हम पढ़ लेते हैं। मऊ के सेंगर जाति से संघर्ष। देखिए, मऊ के जो सेंगर जाति है, जब मऊ के सेंगर जाति से इनकी लड़ाई हो रही है महाराजा अनिरुद्ध सिंह की, तो थोड़ा सा दिलेर भी है महाराजा अनिरुद्ध सिंह, ऐसा वर्णन किया गया है महाराजा अनिरुद्ध सिंह का कि ये अकेले ही मऊ के सेंगरों से मिलने पहुंच गए। चलो भाई, मऊ के सेंगरों से क्या बोला कि चलो। अब जब गए तो उन्होंने वहां से गोली चला दी, धोखा हो गया। इनका सहायक जो है वो मारा गया। ठीक है, इनके सहायक जो है वो मारे गए, सहायक का नाम था मन गैया बारी, वो मारा गया। ठीक है, सहायक का नाम क्या था लिख लीजिए, ये मारा गया। तो याद रहेगा आपको कि कौन मारा गया, मन गैया बारी जो है सहायक जो है मारा गया। ठीक है, और जब रीवा राज्य के सैनिकों को एक खबर मिली कि हमारे महाराज तो बात करने जा रहे, तब उन्होंने मऊ के सैंगरों पर हमला बोल दिया। मऊ के सैंगरों पर क्या कर दिया? हमला। बस इतनी सी काम है महाराजा अनिरुद्ध सिंह। चलिए अब आते हैं अवधूत सिंह। अवधूत सिंह के समय क्या हुआ कि पन्ना के बुंदेला शासक हृदय शाह ने रीवा राज्य पर आक्रमण कर दिया और अधिकार कर लिया। अब कुछ बचा नहीं रीवा राज्य के, तभी कहां चलेगा? अपने ननिहाल प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ मतलब उत्तर प्रदेश चले गए, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ चले गए। हृदय शाह द बुंदेला रूला पन्ना टुक कंट्रोल ओवर रीवा, देन ही वेंट टू हिज मैटरनल ग्रैंडफादर प्रतापगढ़ हाउस। तो वहां चले गए। जब वहां रहे तो उन्होंने बात की किससे? बहादुर शाह से। किससे बात की? बहादुर शाह से बात की कि भैया हमें दिलाओ ये जगह। तब बहादुर शाह के सहयोग से रीवा राज्य प्राप्त। बघेल बुंदेला संघर्ष को बुंदेलही लड़ाई कहते हैं। बघेल बुंदेला संघर्ष को बुंदेलही लड़ाई कहते हैं। एग्जाम में जाएगा कि बुंदेलही लड़ाई। हाँ, पिंक पैंथर जो आप कह रहे हैं इलाहाबाद से थोड़ा सा नॉर्थ में है प्रतापगढ़, इलाहाबाद के उनको ठीक, इलाहाबाद से 70-80 किलोमीटर होगा करीब। ठीक है, तो वहां चले गए थे और बाद में बहादुर शाह के सहयोग से इनको रीवा राज्य मिला। और इन लड़ाई को बुंदेलही, कभी आ जाए कि बुंदेलही क्या है, बुंदेलही लड़ाई क्या है, तो आप बता सकते हैं कि बुंदेली लड़ाई जो है वो बघेल बुंदेला संघर्ष है। ठीक है, जैसे मुगल मराठा संघर्ष होता है वैसे ये। तो हृदय शाह ने जो है कई जगह आक्रमण किया। हृदय शाह ने मैहर पर भी आक्रमण किया, जैसे छत्रसाल ने आक्रमण किया था वैसे हृदय शाह ने मैहर पर भी आक्रमण किया। ठीक है, और मैहर पर आक्रमण कर लिया, रीवा पर आक्रमण कर दिया। याद होगा हमने पढ़ा था जब बुंदेला रियासत थी कि रीवा पर आक्रमण किया या दरवाजा बनवाया जिसको बुंदेला दरवाजा कहा जाता है। कौन सा दरवाजा कहा जाता है? बुंदेला दरवाजा कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा उदूत सिंह। चलिए आगे बढ़े। अब आएंगे महाराजा अजीत सिंह। मुगल बादशाह शाह आलम को सेल्टर प्रोवाइड सेल्टर टू
मुगल एम्परर शाह आलम। बाद में उनकी पत्नी लालबाई ने मुकुंदपुर में अकबर द्वितीय को जन्म दिया। अकबर द्वितीय बाद में क्या बनेगा, यही मुगल सम्राट बनेगा। तो मुगल सम्राट का जन्म अकबर द्वितीय का कहां हुआ, एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, मुकुंदपुर में हो, या फिर अलग तरीके से पूछ सकते प्रिय में कि अकबर द्वितीय का जन्म मध्य प्रदेश की किस रियासत में हुआ, तो मध्य प्रदेश की बघेलखंड रियासत में, और जगह का नाम क्या है, मुकुंदपुर में हुआ। वेयर ही बॉर्न अकबर सेकंड एट मुकुंदपुर, मुकुंदपुर में उसका जन्म। स्वयं को ब्रिटिश साम्राज्य से बचाया। देखिए क्या है, अंग्रेजों ने संधि करने का दबाव तो नहीं डाला, पर एक प्रकार से बातचीत हुई, पर इसने कहा कि नहीं, हमारे पूर्वज भी आजाद रहे हैं और हम किसी के संरक्षण में नहीं आना चाहते, पर चिंता मत करिए, कुछ दिनों की बात है, संरक्षण आ जाएगा। पर फिर भी अजीत सिंह ने अपने आप को बचाकर रखने का काम किया, पर ये अपने आप को मराठों से नहीं बचा पाया। मराठों ने इसके सुहागपुर और चंदिया को अपने हाथों में ले लिया, तो सुहागपुर एंड चंदिया इन देयर हैंड ड्यूरिंग हिज पीरियड, तो सुहागपुर और चंदिया इसके हाथों से चले गए। अच्छा, आपको बुंदेली इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए जानकारी, हाँ, व्हाइट टाइगर सेंचुरी है आशा, पिंक पैंथर, आपको बुंदेली स्ट्रगल के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए क्या करें, थोड़ा सा मेरे पुराना वीडियो देख लें बुंदेलखंड की रियासत के बारे में। और अगर आपको बुंदेलखंड बघेलखंड संघर्ष के बारे में चाहिए है, तो पहला मैंने क्या बताया कि अवधोष सिंह के समय किसका हुआ हमला, पीछे चले थोड़ा सा, एक मिनट जरा, चलिए आपकी बात सुन लेते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। लिखा हृदय साय ने आक्रमण किया, तो पहला लिख लो, नोट करो कॉपी में अपनी, पहला आक्रमण, ठीक है, एक मिनट जरा आगे बढ़ते हैं। तो लिखे पहला, पहाड़ सिंह बुंदेला ने आक्रमण किया ओरछा के बुंदेला ने, जिससे भागकर त्योथा चले गए, तब राजा कौन है, अनूप सिंह। देखो हम बिल्कुल शुरुआत करते हैं बुंदेला की, है ना, इसके पहले भी पर एक मूल यहां शुरू करते हैं, तो कहां भागकर चले गए, त्योथा, तो पहली लड़ाई ये हो गई, ठीक है। छत्रसाल ने मैहर पर आक्रमण किया, दूसरी लड़ाई ये हो गई, पहला पहाड़ सिंह, दूसरा छत्रसाल, नोट कर रहे हैं ना पिंक, ठीक है। दूसरी लड़ाई छत्रसाल ने रीवा के मैहर क्षेत्र पर आक्रमण किया, ठीक है। भाव सिंह के समय ऐसी कोई घटना हो नहीं रही, बेचारे पढ़ाई, अपना पढ़ाई लिखाई और मंदिर बनवा रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह, इनके समय भी सेंगर से लड़ाई और इनका बुंदेले से नहीं, अब आ रहा बुंदेले, पन्ना के बुंदेले हृदय शाह ने रीवा पर अधिकारी कर लिया। तीसरा मुद्दा लिख लेंगे आप, पहला पहाड़ सिंह, दूसरा छत्रसाल, तीसरा बुंदेला शासक हृदय शाह, रीवा पे अधिकार कर लिया, रीवा में बुंदेली दरवाजा बनवा लिया, और बाद में रीवा राज्य मिल गया। अब तीसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे हृदय शाह ने इसी काल में, इसी अवधूत सिंह के काल में मैहर पर आक्रमण किया। किस पर किया, मैहर पर आक्रमण किया, और लगभग पश्चिमी बघेलखंड पर अधिकार कर लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। ये कोर्स फ्री है, ठीक है, विनय शर्मा, तो कोई प्राइस नहीं है, जब तक ये मेंस का है तब तक फ्री है, ठीक है, बस आप लोग रेगुलर पढ़िए, आपके लिए है कोर्स। अजीत सिंह, तो हमने क्या बोला, स्वयं को ब्रिटिश उससे बचाने का काम किया अजीत सिंह ने, क्योंकि 1802 में बसीन की संधि हुई थी, तो जो बहुत सारे मराठे इलाके थे वो अंग्रेजों के हाथों में आ गए, तो मतलब सुहागपुर और चंदिया भी अंग्रेजों के हाथों में आ गया, तब क्या होगा, तब इनसे भी बात की जाएगी, भाई आप भी साइन करो, तो ये जो है बात घुमा फिरा कर कहेंगे कि नहीं अभी जरूरत नहीं है करने की, तो कुल मिला के नहीं होगा साइन। इनका संघर्ष बांदा के नवाब अली बहादुर से हुआ। अब देखिए बांदा की एक लड़ाई अलग हो जाती है, ठीक है, बांदा की लड़ाई अलग हो जाती है।
बांदा में कौन नवाब है? बांदा में है अली बहादुर शासक, ठीक है। तो अली बहादुर जो है, थोड़ा सा नोट करेंगे ना, क्योंकि कई बार आ सकता है बांदा संघर्ष, बंगेल बांदा संघर्ष, ठीक है। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं अली बहादुर, अली बहादुर जो है वो बांदा का क्या है, नवाब है अली बहादुर। उसका सेनानायक है जसवंत राय, क्या नाम है, जसवंत राय। जसवंत राय कौन है? अली बहादुर का सेनानायक है, ठीक है। अली बहादुर क्या है? सेनानायक। नो डाउट इसमें। तो जसवंत राय हमला करता है तो अजीत सिंह इसे मार देता है, मार देता मतलब युद्ध में मार गिराता है, मार दिया अजीत सिंह ने इसे, मार दिया। किसको मार दिया? जसवंत राय को मार दिया। बघेलखंड में यह युद्ध बड़ा फेमस है, थ्री मार्कर में आ सकता है, निक हाई का युद्ध। इसे कौन सा युद्ध कहते हैं? नेक हाई का युद्ध कहा जाता है, जिसमें अली बहादुर के सेना नायक जसवंत राय को मार गिराया गया। किसने मार दिया? अजीत सिंह ने मार दिया। कौन सा युद्ध कहलाता है? निक हाई का युद्ध कहलाता है। कब हुआ? 1796 में हुआ, नोट कर लेंगे। 1796 में निक हाई के युद्ध में, ठीक है, निकही के युद्ध में अजीत सिंह ने अली बहादुर के सेनानायक जसवंत राय को पराजित कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? तब इसने दोबारा फिर अपने सेनापति, दूसरे सेनापति को भेजा, जिसका नाम था हिम्मत बहादुर गुसाई। हिम्मत बहादुर को पुनः भेजा कि जाओ हमला करो। किसको भेजा? हिम्मत बहादुर को भेजा। तो हिम्मत बहादुर ने हमला किया, तब लगा कि लड़ने की स्थिति नहीं है, इसलिए अंततः संधि हो गई। अंततः क्या हो गई? संधि। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? खत्म। तो निकहाई का याद रखिएगा, ठीक है। फिर आएंगे महाराजा जयसिंह, रीवा के बड़े प्रसिद्ध राजा हैं जयसिंह। 1812 पिंडारिक दल ने रीवा क्षेत्र से मिर्जापुर पर छापा मारा। अब देखिए कहानी कैसे कैसे बनती है। तब अंग्रेजों ने बोला भैया आओ हमारे साथ मिलकर लड़ो, कब तक पिंडारियों से लड़ते रहोगे? ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो रीवा राज्य में क्या हुआ? पिंडारियों का हमला हो रहा है। तो पिंडारियों पर हमले होने पर जयसिंह को संधि में शामिल होने की बात की गई। अपॉन द जयसिंह वॉज कॉल्ड अपॉन टू एक्सीड अ ट्रीटी इन विच ही एक्नॉलेज द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और यहीं पर पहली बार ब्रिटिश सरकार के संरक्षण को स्वीकार कर लिया गया। जयसिंह ने क्या किया? अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, ठीक है। कब की संधि? 1812 में, ठीक है। इस संधि का नाम क्या है? बांदा की संधि। इस संधि को बांदा की संधि कहा जाता है। कौन सी संधि कहा जाता है? बांदा की संधि, जयसिंह के काल में। क्लियर है? क्या क्या बातें हुई? पड़ोसी प्रमुखों के साथ सभी विवादों को कौन मध्यस्थता करेगा? अंग्रेज। ब्रिटिश सैनिकों को अपने क्षेत्र में मार्च करने या छावनी स्थापित करने की अनुमति देती थी कि अब अंग्रेज जो है रीवा राज्य, बघेलखंड राज्य में अपनी छावनी भी स्थापित कर सकते हैं और आवश्यकता हो तो वहां से सेना भी गुजार सकते हैं। तो अब पहली बार हम देख रहे हैं अंग्रेजों के संरक्षण को स्वीकार किया, याद रहेगा आपको। चलिए, महाराज ने हरिचरित्र चंद्रिका नामक पुस्तक लिखी। कौन सी बुक लिखी है? हरिचरित्र चंद्रिका नामक बुक किसने लिखी है? स्वयं महाराज जयसिंह ने लिखी। तो महाराज जयसिंह क्लियर हो गया आपको। अब आते विश्वनाथ सिंह, रीवा के राजा है विश्वनाथ सिंह। इस समय वास्तविक शक्ति किसके हाथों में? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ब्रिटिश रेजिडेंट कौन? रिचर्डसन।
रिचर्डसन को दरबार में नियुक्त किया गया। इस समय लड़ाई हुई महू के अनिरुद्ध सिंह के साथ और इस युद्ध में प्रसिद्ध तोप हनुहंकार या हनुटंकार का प्रयोग किया। ये नोट करें, तोप का नाम क्या था? हनुहंकार या अनुटंकार तोप का प्रयोग किया। किसने किया? विश्वनाथ सिंह ने किया। किसके विरुद्ध किया? अनिरुद्ध सिंह के। अनिरुद्ध सिंह कहां का है? अनिरुद्ध सिंह मऊ का है, ठीक है। प्रशासन सुधार करने के प्रयास भी किए महाराजा विश्वनाथ सिंह ने, ठीक है। तो महाराजा विश्वनाथ सिंह जो है, इन्होंने आबकारी विभाग की स्थापना की, स्वयं पुस्तक लिखी आनंद रघुनंदन कबीर बीजक की रचना, हिमसेल्फ कंपोज अ बुक आनंद रघुनंदन एंड कबीर बीजक। इनकी लिस्ट अलग बना लीजिए आप पुस्तकों की, किस राजा ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी, ठीक है। तो कौन सी है, क्लियर है? बताया ना बांदा की संधि 1812, तो याद रहेगा आनंद रघुनंदन एवं कबीर बीजक की रचना कौन कर रहे हैं? महाराजा विश्वनाथ सिंह 1835 से 1854। चलिए आगे बढ़ते हैं। रघुराज सिंह बहादुर रीवा के शासक, ठीक है, इनके समय हुआ 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह में मंडला और जबलपुर में अगर किसी विद्रोह का दमन करने की बात आई तो किसने साथ दिया? महाराजा रघुराज सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया जिले में और नागौद में, जो अब 17 जिले के साथ विद्रोह कुचलने में अंग्रेजों की मदद। देखिए बड़ा इतिहासकारों ने रघुराज सिंह को अलग तरह से प्रस्तुत किया है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि ये बेचारे अंग्रेजों से दबे हुए थे, कर्जा था अंग्रेजों का, प्रशासनिक व्यवस्था की हालत खराब थी, इसलिए रघुराज सिंह के पास अंग्रेजों की मदद के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसा इतिहासकारों कहना है कि अंदर ही अंग्रेजों के विरुद्ध थे, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से 1857 के जो विद्रोही हैं ठाकुर रणमत सिंह उनका सपोर्ट करते थे, परंतु खुलकर सामने नहीं आ पा रहे थे, इसलिए मजबूरी में इन्हें अंग्रेजों की सहायता करनी पड़ी, ऐसा इतिहासकारों का मत है। मंडला में जो रामगढ़ है, रामगढ़ की रानी है अवंतीबाई, उनके विरुद्ध भी सेना भेजने का काम किसने किया? रीवा के राजा रघुराज सिंह के समय हुआ, ठीक है। तो कहां कहां भेजी इन्होंने? मंडला, जबलपुर और नागौद में भेजी, तीन जगह भेजी। जब विद्रोह कुचलने मदद की और विद्रोह खत्म हो गया तो अंग्रेजों ने भी इनका बड़ा सम्मान किया और सुहागपुर और अमरकंटक क्षेत्र जो किसको दे दिया गया? इनको दे दिया। क्या मिल गया इनको? सुहागपुर, अमरकंटक, परगना, विच हैड बीन सीज्ड बाय द मराठा इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी, ठीक है। महाराजा वास रिवॉर्ड बाय द रिस्टोरेशन, फिर से अंग्रेजों के शासन को स्थापित करने में जो मदद की थी महाराज ने, उसके बदले उनको सुहागपुर और अमरकंटक के क्षेत्र दे दिए, क्लियर है। कौन कौन क्षेत्र दे दिए गए? सुहागपुर और अमरकंटक के क्षेत्र दे दिए। तो ये है 1857 की क्रांति का समय। याद करेंगे सुहागपुर में कौन नेता है? ठाकुर दुनियापति सिंह। मैयर में राजा रघुवीर सिंह। विजयरावगढ़ में ठाकुर सरजू प्रसाद। मनकहरी में लड़ रहे हैं ठाकुर रणमत सिंह विद्रोह, जिसमें ठाकुर रणमत सिंह प्रमुख हैं। किसने धोखा दिया ठाकुर रणमत सिंह को? हीरा सिंह ने। हीरा सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़ लिया गया और 1 अगस्त 1859 को फांसी दी गई ठाकुर रणमत सिंह। याद रहेगा आपको ठाकुर रणमत सिंह, क्लियर, ठीक है। तो हीरा सिंह के विश्वासघात के कारण ठाकुर रणमत सिंह पकड़े गए और 1 अगस्त 1859 को फांसी दी। 1857 की क्रांति के समय बघेलखंड के शासक ठाकुर रणमत सिंह। किसकी मदद की? अंग्रेजों की मदद करने का काम किया ठाकुर रणमत सिंह ने, ठीक है। कोई डाउट इसमें? अब 1857 तो हो गया भाई, आगे क्या कर रहे ठाकुर रणमत सिंह? तो आगे देखिए ठाकुर रणमत सिंह क्या कर रहे हैं। 10 घरा शतरंज के खेल की उत्पत्ति की, तो एग्जाम में आएगा 10 घरा शतरंज के खेल की उत्पत्ति करने वाले कौन है? रघुराज सिंह। कौन है?
रघुराज सिंह ने 10 घरा शतरंज के खेल की उत्पत्ति। जगन्नाथपुरी पहुंचकर जगदीश शतक लिखा, बड़े विद्वान आदमी भाई देखिए, जगदीश शतक नामक पुस्तक लिख रहे हैं। कहां पर लिख रहे हैं? जगन्नाथपुरी में लिख रहे हैं। स्वामी मुकुंदाचार्य के निर्देशन में लक्ष्मण मंदिर बनवाया। लक्ष्मण मंदिर किसके डायरेक्शन में बनवाया? स्वामी मुकुंदाचार्य के नेतृत्व में या उनके निर्देशन में लक्ष्मण मंदिर बनवाने का काम किया। और देखिए, गोविंदगढ़ नगर बसाया। तो गोविंदगढ़ नगर बसाने वाले कौन है? रघुराज सिंह। वहां विश्वनाथ सागर नामक तालाब बनवाया। सेट अप द सिटी ऑफ गोविंदगढ़ एंड बिल्ट अ पॉन्ड नेम्ड विश्वनाथ सागर देयर। और वहां विश्वनाथ सागर नाम का एक तालाब बनवाने का काम किया। अब देखिए, दीन बंधु की कहानी थोड़ी सुन लेते हैं कि दीन बंधु कौन है। एक मिनट, गोविंदगढ़ बसाया और दीन बंधु को हटाकर दिनकर राव को अपने राज्य का प्रशासक बनाया। अबे दीन बंधु कहां से आ गए? ठीक है, तो द्रीवर राज्य के दीवान है दीन बंधु पांडे। क्या नाम है? दीन बंधु पांडे, जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की। अंग्रेजों ने खुश होकर दीन बंधु पांडे जी को बहादुर की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? बहादुर की। और अंग्रेज जो है इसको बहुत मानने लगे, बहुत खास मानने लगे। ठीक है, और दीन बंधु पांडे अंग्रेजों का बड़ा खास होता चला गया। जब लॉर्ड कैनिंग रीवा राज आ रहे तो खुद दीन बंधु पांडे जी पहुंच गए हनुमाना आगवानी करने के लिए। और यहां तक कि राजा की आदेश प्रशासन या उसकी बातों को काटने लगे और राजा के विरुद्ध भी संदेशन देने लगे। ये बात राजा रघुराज सिंह को ठीक नहीं लग रही थी। तब राजा रघुराज सिंह ने निवेदन किया अंग्रेजों से कि भाई हम दीन बंधु पांडे जी को नहीं रखेंगे, जिनको आपने बहादुर की उपाधि दी है, तो ये व्यक्ति हमको नहीं चाहिए। तो इलाहाबाद गए तो संगम में स्नान कर रहे थे रघुराज सिंह, वहीं पर उनकी दिनकर राव से मुलाकात हो गई, दिनकर राव से बात हुई और दिनकर राव जो है प्रशासनिक अधिकारी बन गए रीवा राज्य। दिनकर राव पहले कहां पर थे? दिनकर राव जो है वो ग्वालियर के दीवान थे, ग्वालियर के भूतपूर्व दीवान। दिनकर राव को रीवा का प्रशासक बनाया गया, जिन्होंने ठेका पद्धति में सुधार किया, मिताक्षरा न्यायालय स्थापित किए, रैयतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट किया कि सीधा कर प्राप्त होगा। कौन सा सिस्टम स्टार्ट किया? रैयतवाड़ी। ठीक है, और यही वो समय था रीवा राज्य के समय कि जब इलाहाबाद से लेकर बंबई, इलाहाबाद जबलपुर बंबई रेलवे लाइन बन रही थी। कौन सी रेलवे लाइन बन रही थी? इलाहाबाद जबलपुर मुंबई रेलवे लाइन बन रही थी। तब इस समय इलाहाबाद जबलपुर रेलवे लाइन से सतना जुड़ गया। तो सतना में रेलवे लाइन किसके समय बनी? राजा रघुराज प्रताप सिंह के समय सतना में रेलवे लाइन बनी। किस रूट को बना रहे थे? इलाहाबाद से हावड़ा, सॉरी बंबई से इलाहाबाद। ठीक है, बंबई से इलाहाबाद के ट्रैक के लिए जो हावड़ा तक ही जाता, वहां पर सतना स्टेशन को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया। समझ में आ रही बात आपको? चलिए, अठारह सौ 71 में अब इनको लगा प्रशासन नहीं बन रहा भाई अच्छे से, क्या करें? तो एक बघेलखंड एजेंसी बनाई 1870 में। इसमें 5 रियासतें थे, रीवा, मैयर, नागौद, सोहाबल और कोठी। हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट इन दैट टाइम? 5, रीवा, मैयर, नागौद, सोहाबल एंड कोठी। और यहां पर बोला अंग्रेजों को आप संभालो, तो अंग्रेज इसको देख रहे थे। और पहले व्यक्ति थे गुड फैलो, पहले एजेंट कौन बने? गुड फैलो पहले एजेंट बने, गुड फैलो। लेकिन जब लगा कि कुछ नहीं होने वाला, सीधे 1875 में रीवा राज्य का प्रशासन अंग्रेजों को सौंप दिया। In 1875, administration of Rewa state was handed over to British. अब सीधे सीधे अंग्रेज ही सब करेंगे। और शासक कैसे हो जाएंगे? नाम मात्र के शासक बन जाएंगे। और सीधे सीधे अब रीवा राज्य जो है अंग्रेजों के अंडर में आ जाएगा। ठीक है,
डाउट किसी को? ये समझ में आ रहा कि रीवा राज्य कैसे आ गया? सीधे सीधे अंग्रेजों के अधीन। तो रघुराज सिंह पे भी आप 50 शब्द में आ सकता क्वेश्चन, 200 शब्दों का भी मैटर है राजा रघुराज सिंह के समय। क्लियर। अब आते हैं वेंकट रमन सिंह, 1880 से 1918। वेंकट रमन सिंह भी अपने सुधारों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। वेंकट रमन सिंह भी क्या है? अपने सुधारों के लिए जाने जाते हैं। क्या सुधार है भाई इनके? सबसे पहला, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। जब अकाल पड़ा, अकाल के समय राहत कार चला रहे, रिलीफ प्रोग्राम ड्यूरिंग फेमाइन, राहत कार चलाए, ठीक है। क्या चलाया? राहत कार चलाए, और बहुत ही इंटेलिजेंट काम किया, अकाल पीड़ित कोष बनाया। अकाल पीड़ित कोष, कि जो अकाल से पीड़ित हैं उनके लिए एक अलग फंड होगा और इस फंड से उसका खर्चा किया जाएगा, तो ये बन गया अकाल पीड़ित कोष, ठीक है। 1903 में दिल्ली दरबार में शामिल हुए, दिल्ली दरबार में शामिल हुए, ठीक है। दिल्ली दरबार में जाकर क्या हो गए? सब इंदौर गए और इंदौर में प्रिंस ऑफ वेल्स से मिले। देखिए एग्जाम में फिर प्रश्न आएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स से मिलने वाले रीवा के शासक का नाम बताइए, तो वेंकट रमन, ठीक है। कहां मिले प्रिंस ऑफ वेल्स से? इंदौर में जाकर प्रिंस ऑफ वेल्स से मिलने का काम किसने किया? वेंकट रमन जी ने प्रिंस ऑफ वेल्स से, ठीक है। रीवा में पुस्तकालय स्थापित किए, सरस्वती पुस्तकालय, सरस्वती लाइब्रेरी बनवाई कहां पर? रीवा। सरस्वती पुस्तकालय, ही एस्टैब्लिश सरस्वती लाइब्रेरी एट रीवा। सरस्वती पुस्तकालय बनाने का काम किसने किया? इनके दीवान थे रामानुज सिंह, जिन्होंने बहुत काम किया, दीवान रामानुज सिंह। दीवान कौन थे? रामानुज सिंह इनके दरबार। सुधार क्या किया? पहला सुधार में अगर हम देखें एक एक करके, सड़क निर्माण, रीवा राज्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए इन्होंने सड़क निर्माण करने का काम किया, किसने? वेंकट रमन सिंह ने, ठीक है। अस्पताल बनवाए, हॉस्पिटल, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, संस्कृत विषय को अनिवार्य कर दिया, वह संस्कृत पढ़ाना जरूरी है, संस्कृत विषय को क्या कर दिया? अनिवार्य करने का काम किया वेंकट रमन सिंह, संस्कृत पढ़ना जरूरी है। प्रेस की स्थापना की, प्रेस, रीवा राज्य में प्रेस स्थापित की और समाचार पत्र भी निकालना शुरू किया, जिसमें से एक समाचार पत्र का नाम है भारत भ्राता। क्या नाम है? भारत भ्राता। और दूसरे का नाम क्या है? शुभचिंतक। दो समाचार पत्र निकाले, भारत भ्राता और शुभचिंतक समाचार पत्र निकाला किसने? और क्या किया इन्होंने? रीवा में वेंकट भवन बनवाया, वेंकट भवन, वेंकट हाउस किसने बनवाया? इन्होंने बनवाया रीवा में वेंकट हाउस। न्यायालय स्थापित किए, बाघ के शिकार पर रोक, बाघ के शिकार पर रोक लगा दी कि भाई अब बाघ जो है वो नहीं मारा जाएगा, ठीक है। रीवा में गोलाघर बनवाया, क्या बनवाया? वेंकट भवन, गोलाघर, रज निवास कचहरी,
जो अब क्या बन गई है, रज निवास क्या बन गई है, कचहरी बन गई है। कचहरी में तो अदालत होती है ना, रज निवास कचहरी, ठीक है। पीली कोठी, पीली कोठी का निर्माण किया। कितनी सारी चीजें हो गई, अकाल के समय राहत कार दिए, अकाल पीड़ित को दिल्ली दरबार में शामिल हुए, इंदौर में प्रिंस ऑफ वेल्स से मिलने गए, रियो में सरस्वती पुस्तकालय बनाया, इनके दीवान रामानुज सिंह थे, सड़क निर्माण किया, अस्पताल बनवाए, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की, संस्कृत विषय अनिवार्य किया, प्रेस की स्थापना की, भारत भ्राता शुभचिंतक समाचार पत्र निकाले, न्यायालय स्थापित किए, बाघ के शिकार पर रोक लगाई, बैंकट भवन, गोलाघर, रजनिवास कचहरी, पीली कोठी का निर्माण किया। ठीक है, नोट कर लिया होगा कितना। दूसरी बात देखें, इन्होंने बघेलखंड में कल्चरल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बघेलखंड, अच्छा प्रश्न है प्री का, बघेलखंड नाटक कंपनी, बघेलखंड ड्रामा कंपनी एस्टैब्लिश बाय वेंकट रमन से, और एक पुस्तक भी लिखी वेंकट रमन ने, वेंकट रमन की एक पुस्तक भी है जिसका नाम है भजना विलास। क्या नाम है उसका? भजनावली, भजनावली, भजनावली पुस्तक भी लिखी। हो गया ना 50 से 200 शब्द भी, आप 50 शब्द भी लिख लेंगे, भजनावली लिखी है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो हो गया वेंकट रमन सिंह के बारे में, ठीक है। क्या हो गया? वेंकट रमन सिंह के बारे में याद रहेगा। तो अब अगले शासक आएंगे, अगले शासक होंगे महाराजा गुलाब सिंह। तो महाराजा गुलाब सिंह के समय क्या घटना घटती है? 1918 से 1946 तक रहेंगे गुलाब सिंह, परंतु बच्चे थे इसलिए 1918 से लेकर 22 तक राज्य प्रतिनिधि काल चला। मतलब ये राजा तो यही थे, पर इनके जो हेड थे वो थे रतलाम नरेश सज्जन सिंह, वो रीवा राज्य के रेजिडेंट थे और वही रीवा राज्य की पूरी चीजों को संभालने का काम 1922 तक कौन किया? इन्होंने किया, ठीक है। इन्होंने कुछ अच्छे काम किए, पुलिस सुधार किए, और पुलिस सुधार के तहत इन्होंने क्या किया, रीवा में पुलिस सुपरिटेंडेंट बनाया, जैसे एसपी, एसपी होते ना, मतलब जिला लेवल के कार्यालय, और दूसरा बघऊ, बघऊ, और तीसरा उमरिया, इन तीन जगह पर पुलिस सुपरिटेंडेंट की स्थापना कि भैया यहां पर कौन रहेंगे, पुलिस सुपरिटेंडेंट स्थापित रहेंगे। सड़क निर्माण को बढ़ावा दिया, सड़क निर्माण, सड़क निर्माण कहां से? दो प्रमुख सड़कें होंगी, रीवा से सिरमौर और रीवा से गुड़, ये दो सड़कें बनी इनके समय। तो काफी काम इस समय किया जा रहा है, ठीक है। स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। नगर पालिका बनेगी, नगर पालिका स्थापित होगी, कहां स्थापित होगी? सतना में और उमरिया में नगर पालिका स्थापित होगी, सतना और उमरिया में नगर पालिका स्थापित की, ठीक है। रीवा में देखें, अगर हम रीवा में स्कूल बना, हिंदी स्कूल, ठीक है। रीवा में क्या बना? हिंदी स्कूल का निर्माण किया, जैसे आज हम मार्तंड स्कूल कहते हैं। उमरिया में भी स्कूल बना, उमरिया का जो स्कूल बना उसे आज हम गुलाब सिंह कहते हैं, गुलाब सिंह मिडिल स्कूल। तो काफी काम होगा इस काल में, इसको नोट कर लेंगे। काम में अगर कहा जाते हैं तो काम किसके? गुलाब सिंह के ही काम है। तो गुलाब सिंह के शासन काल के तो किसके कहलाएंगे? गुलाब सिंह के कार कहलाएंगे, ठीक है। तो ये प्रतिनिधि काल कह लीजिए या गुलाब सिंह के समय कह लीजिए। रीवा, बघऊ और उमरिया में पुलिस इंस्पेक्टर जनरल स्थापित किए गए, सतना उमरिया में नगर पालिका बनाई गई, रीवा सिरमौर, रीवा गुड़ सड़क निर्माण हुआ, रीवा में मार्तंड हिंदी स्कूल आया, उमरिया में गुलाब सिंह मिडिल स्कूल, ठीक है। अब
बात करते हैं गुलाब सिंह के समय हुए सुधार। समय मतलब ये भी जाएगा, तो पहला क्या काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुलाब सिंह जी, सैन्य खर्च कम किया। भाई सेना की जरूरत क्या, जब अंग्रेजी शासन प्रणाली है, अंग्रेज हमें संरक्षण दे रहे हैं, तो खुद की व्यक्तिगत सेना को क्या करेंगे, हम कम करेंगे। ठीक है, पुलिस व्यवस्था का ब्रिटिश शैली में विस्तार किया, 1933 में हाईकोर्ट बना दिया। 1933 में क्या बना दिया, हाईकोर्ट बना। विभिन्न स्कूलों की स्थापना की, जिन्हें मार्तंड हिंदू स्कूल, गुलाब मिडिल स्कूल, सुदर्शन कुमारी बालिका विद्यालय, मतलब कितने प्रगतिशील विचार के थे गुलाब सिंह की, स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए भी बालिका विद्यालय की स्थापना की। क्या की इन्होंने, सुदर्शन कुमारी है वो, है ना, आई बना लेंगे उसमें, कुमारी बालिका विद्यालय स्थापित किया। पहले जो रीवा राज्य था उसमें जो एजुकेशन बोर्ड था वो था इलाहाबाद से, इलाहाबाद एजुकेशन बोर्ड था, तो इन्होंने 1934 में रीवा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की, भाई हमारा ही रहेगा, अब रीवा राज्य का खुद का शिक्षा बोर्ड होगा इनका। ठीक है, और 1938 में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला। देखिए सुधार आ जाएंगे 200 शब्दों में। और 1944 में दरबार डिग्री कॉलेज खोला, जिसे आज हम ठाकुर रणमत सिंह कहते हैं, जिसे आज हम ठाकुर रणमत सिंह के नाम से जानते हैं। किसने किया ये काम, महाराजा गुलाब सिंह कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा काम है ठाकुर रणमत सिंह डिग्री कॉलेज 1944 में स्थापित कर दिया। मतलब मध्य प्रदेश में रीवा रियासत में गुलाब सिंह के समय काफी प्रगतिशील विचारधारा दिखाई दे, काफी प्रोग्रेसिव अप्रोच थी गुलाब सिंह जी की। ये सुधार आप लिख सकते हैं गुलाब सिंह जी के, और भी सुधार अभी खत्म नहीं हुए इनके सुधार। स्वास्थ्य हेतु रीवा में जुबली जनान अस्पताल खोला, वैदिक औषधालय स्थापित किया, और बहुत सारे डॉक्टर को नर्स को वहां अपॉइंट करने का काम किया। कहां पे किया, रीवा में जुबली जनाना और वैदिक औषधालय। सतना में बघेलखंड फ्लोर मिल की स्थापना की 1940 में, बघेलखंड फ्लोर मिल, मतलब व्यवसाय को भी बढ़ावा दे रहे हैं, आर्थिक सुधार भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुधार भी कर रहे हैं। 1934 में रीवा बैंक का बघेलखंड की स्थापना की, जिससे किसानों को लोन दे सके। कृषि सुधार, लीलजी आदि बांधों का निर्माण करा रहे हैं, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करा रहे हैं गुलाब सिंह जी। समझ में आ रही बात आपको, गुलाब सिंह जी ये सिंचाई सुविधाओं का विस्तार भी करा रहे हैं, बैंक का बघेलखंड की स्थापना कर रहे हैं, जिससे किसानों को क्या मिल जाए, ऋण उपलब्ध करने की बात की। और भी काम कर रहे हैं, 1935 में उन्होंने कृषि फार्म स्थापित किया। कृषि फार्म क्यों बनाया, बीज अच्छे हो, सिंचाई सुविधाओं को विस्तार हो, फसल चक्र को अपना सके, नवीन विधियों को अपना सके, इसके लिए उन्होंने 1935 में कृषि फार्म की स्थापना। ठीक है, समाज सुधार के लिए बाल विवाह पर रोक लगाई, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, ये प्रमोटेड विडो रीमैरिज, इसको क्या किया, स्टॉप करने काम किया। ठीक है, सहभोज है ना, सहभोज, सह यहां जाएगा, सह वहां लिखा, इकट्ठा हो जाएगा। सहभोज मतलब सब जातियों को मिलजुल कर खाना चाहिए, मतलब उस दौर में जब जाति प्रथा इतनी जोरों पर है, उस दौर में ऐसी परंपराओं को आगे बढ़ाना जिससे कि जाति प्रथा को समाप्त किया जाए, उसका काम किया। मंदिरों में सभी के प्रवेश की अनुमति दी गई, भाई मंदिरों में कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी जाति का हो सब लोग मंदिर में आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने सहभोज और मंदिर में व्यवस्था की। रीवा में विधवा आश्रम स्थापित किया, समाज सुधार के लिए बाल विवाह पर रोक लगा रहे हैं, प्रमोटेड विडो रीमैरिज, है ना, रीमैरिज की बात कर रहे हैं, एक्सटेंडेड को डाइनिंग सिस्टम, को डाइनिंग मतलब सब लोग मिलकर खाएं, एबॉलिस्ट कास्टिज्म, अलाउड एवरीवन टू एंटर इन टेंपल्स, हर किसी को आना चाहिए टेंपल्स में, विडो आश्रम स्थापित कर रहे हैं रीवा में। ठीक है, तो ये सुधार हो जाएंगे गुलाब सिंह जी के, काफी मात्रा में सुधार है। ठीक है, तो गुलाब सिंह जी आपको याद रहेंगे, गुलाब सिंह जी, ठीक है, गुलाब सिंह जी के सुधार भी याद रहेंगे आपको, गुलाब सिंह के समय क्या क्या सुधार हुए। ठीक है,
गुलाब सिंह जी जो है काफी विदेश यात्रा के शौकीन भी थे। उन्होंने यूरोप के कई देशों में भ्रमण किया, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड की भी यात्रा। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लें, कहां कहां? फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, इन जगहों की यात्रा करने का कार्य किया। और इनका जो सलाहकार था वो था कैल्विन, अंग्रेज अधिकारी कैल्विन। कैल्विन को अपना प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया। किसको किया? कैल्विन को अपना प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने का काम किया। किसको किया? कैल्विन को। लिख देंगे मैं, कैल्विन को अपना प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, जिसने बढ़िया सुझाव दिए और इन्हीं सुझावों के दम पर गुलाब सिंह ने रीवा राज्य में बड़े प्रगतिशील सुधार कर दिए। ठीक है, 1934 में प्रजा परिषद की स्थापना की। क्या किया? प्रजा परिषद की स्थापना किसने की? गुलाब सिंह ने की, प्रजा के कल्याण के लिए। इसमें 41 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? इसमें 41 सदस्य थे जिन्होंने प्रजा परिषद की स्थापना की। ठीक है, अब देखिए एक घटना बड़ी इंपॉर्टेंट, 1939 में हो रहा है त्रिपुरी सेशन कांग्रेस का। तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन रहे हैं और ये काफी प्रभावित है सुभाष चंद्र बोस से गुलाब सिंह। और गुलाब सिंह ने क्या कि सुभाष चंद्र जी की प्रतिमा हाथी पर बिठाकर जुलूस निकलाकर रीवा राज्य में घुमा दी। अंग्रेज इससे नाराज हो गए। अंग्रेजों ने इनको क्या किया, 1942 में अस्थायी तौर पर बर्खास्त कर दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो 1942 से लेकर 43 तक ये बर्खास्त रहे। क्यों बर्खास्त रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के जुलूस निकालने के कारण 1942 से 43 तक गुलाब सिंह बर्खास्त रहे हैं। क्यों बर्खास्त रहे हैं? बोस जी की प्रतिमा निकाल, बोस जी का जुलूस, बोस जी की प्रतिमा का जुलूस निकालने के कारण अंग्रेज नाराज हो गए और 1942 से लेकर 43 तक ये क्या रहे हैं? बर्खास्त रहे। ठीक है, कोई डाउट? इनके समय में एक और घटना है जिसको हम कहते हैं पवई रूल। पवई रूल्स आए, पवई नियम किसके समय आए? गुलाब सिंह के समय आए पवई नियम, जिसके कारण विद्रोह हुआ। रीवा राज्य में जो 40% जमीन है वो कुठार कहलाती है। क्या कहलाती? कुठार। कुठार मतलब यह है कि ये लोग जो है रीवा राज्य से संबंधित है, जो खेती करने वाले किसान है वो रीवा दरबार संबंधित है, और बाकी जो 60% जमीन है वो ठेकेदार है, वो ठेकेदारों के अंडर में, मतलब जिनको हमने क्या दे दिया है? ठेका दे दिया है। ठेकेदार कहते हैं इनको या इलाकेदार कहते हैं या इनको पवईदार कहते हैं। ठेकेदार, इलाकेदार या उनको पवईदार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम जाना जाता है? ठेकेदार, इलाकेदार और पवईदार से। तो ये ठेकेदार, इलाकेदार, पवईदार अवैध वसूली करते थे। जितना टैक्स कहा जाता था उससे ज्यादा टैक्स क्या करते थे? वसूलते थे। इसलिए इन्होंने पवई रूल्स की डिटेल दी 1934 में। पवई रूल कब आए? 1934 में पवई रूल्स आए। ठीक है, तो इन्होंने बोला पवई रूल्स में कि जितने भी वन से आएगा उत्पाद वो किसका है? राजा का है। वन से आने वाला उत्पाद किसका है? राजा का है। और जितना भी वन है उत्पाद आ रहा उसका 1/4 भाग किसको देना है? राजा को देना है, बाकी भाग तभी कर पाएंगे। दूसरा, हर पवईदार को, इलाकेदार को, ठेकेदार को क्या है? राजा के पास इकट्ठा होना, राजा के दरबार में आकर अपनी हाजिरी लगानी है, यहां पर आकर तभी उनका इलाकेदार ठेकेदार बना रहेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ करते हैं, नहीं करते, तो उनकी जमीन को क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। बर्खास्त मीन टर्मिनेट, दे कैन बी टर्मिनेट इफ दे नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ पवई। सो किंग हैज अ राइट टू टर्मिनेट दिस ठेकेदार, इलाकेदार और पवईदार। इसको कहते हैं पवई रूल्स। ठीक है,
क्या कहेंगे इसको, पवई रूल्स के नाम से। चलिए अब आते हैं अंतिम महाराज, 1946 में आ जाएंगे। अंतिम महाराज है मार्तंड सु जूदेव। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, बहुत ही कम मात्रा में जितना महाराज सिंह जूदेव, कुछ पॉइंट्स को आप पढ़ लेंगे, है ना। मध्य रीवा संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व किया 1970 से 1977 पांचवी सातवीं आठवीं लोकसभा के लिए चुने गए। पेशे से कृषक व्यवसायी थे, विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख, एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में औषधालय अस्पताल औषधालय का निर्माण किया, गरीब विमान लोग चिकित्सा सहायता के लिए शिविर लगाए, सतना में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए सतना में अपना महल और अन्य संपत्ति दान कर दी, बांधवगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना और विकास किया। इन्होंने अखिल भारतीय वन्य जीव बोर्ड के सदस्य बने, मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम भोपाल। ये देखिए प्रश्न आ जाएगा, ठीक है, कि निम्न में से क्या नहीं थे मार्तंड सूचदेव, सांसद, वन्य जीव बोर्ड संरक्षण के सदस्य, मध्य प्रदेश विकास निगम भोपाल के डायरेक्टर, एक आध कुछ और दे देंगे, ठीक है, ऑल्सो मेंबर ऑफ ऑल इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन बोर्ड एंड डायरेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम भोपाल। ये नोट कर लेंगे आप, इसके भी प्रमुख रहे हैं मध्य प्रदेश, डायरेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम भोपाल। जिस तरह गुलाब सिंह ने भी काफी विकास कार्य किए, प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया है, वही प्रगतिशील दृष्टिकोण मार्तंड सिंह का भी। तो क्या है मार्तंड सिंह जी के सुधार, वो भी देख लेते हैं। पहला, कि लोकतंत्र के पक्षधर है, सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी। ही अनाउंस्ड इन खरतिया दरबार दैट देयर विल बी अ पब्लिक कॉपरेशन इन गवर्नेंस, कि राजा राज्य की शासन व्यवस्था में जनता का सहयोग रहेगा और राजा का खुद का निजी बजट राज्य के बजट से अलग रहेगा। तो पहली बार पर्सनल बजट और स्टेट बजट को सेपरेट करने का काम किया। रीवा राज्य ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी बात की, कृष्णा स्वामी अय्यर को बोला गया कि आप आइए और हमारे राज्य का संविधान बनाइए। बहुत अच्छी बात, देखिए कितना बड़ा प्रगतिशील दृष्टिकोण है आप, कि रीवा राज्य के संविधान बनाने की बात की जा रही है, कि रीवा राज्य का क्या बनना चाहिए, संविधान बनना चाहिए। पर ये मना कर देंगे कि भाई मेरे पास समय नहीं है। तब हरि सिंह गौर की अध्यक्षता में संविधान सुधार समिति गठन 1946 में, ठीक है, क्या लिखा है अल्लाह जी कैसे, बट अय्यर दी कुड नॉट बी प्रेजेंट, देन द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1940 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हरि सिंह गौर, शंभुनाथ शुक्ल, अवधेश प्रताप सिंह, अवध बिहारी लाल एटसेट्रा बिकम द मेंबर ऑफ दिस कमेटी। इसके सदस्य कौन थे, इसके सदस्य कौन थे, शंभुनाथ शुक्ल, अवधेश प्रताप सिंह, अवध बिहारी और ढेर सारे, ये सब उसके सदस्य बने। किसके बने, संविधान समिति के सदस्य बने। जब संसद समिति ये बनी तो उसने अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट पर 7 अगस्त 1947 को संविधान बना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रीवा declared on 7 August 1947 on the report of this committee was known. किस पर based था, parliamentary system of governance पर आधारित, जो कि संसदात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित था, और पहली बार यशवंत सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन इसी संविधान के तहत, ठीक है। The cabinet was formed under the leadership of यशवंत सिंह under this constitution, इसी संविधान के तहत पहली बार सरकार बनी। यहां तक क्लियर है आपको, चलिए कितनी बड़ी बात है प्रगतिशीलता, आप देखिए भारत जब आजाद होगा तो बघेलखंड बुंदेलखंड को मिलाकर विंध्य प्रदेश की घोषणा होगी। कौन आएंगे घोषणा करने, वी एन गाडगिल, याद रहेगा आपको, वी एन गाडगिल खुद आएंगे रीवा और बुंदेलखंड बघेलखंड बना देंगे विंध्य प्रदेश। इन्होंने गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र की स्थापना में सहयोग दिया, सबसे पहले सफेद शेर मोहन को देखा, ये अच्छा क्वेश्चन है। वाइट लॉयन मोहन वॉज फर्स्ट सीन ड्यूरिंग दिस टाइम, सफेद शेर मोहन इन्हीं के समय देखा, तो याद रहेगा आपको कि सफेद शेर मोहन इन्हीं के समय देखा गया। ठीक है, तो ये है रीवा रियासत के बारे में, हमने लगभग सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह रीवा रियासत और बघेलखंड रियासत एंड है, और हम आगे मिलते हैं होलकर रियासत को लेकर।
अगला हमारा जो चरण होगा वो होगा होलकर रियासत। ठीक है, इसको कंटिन्यू रहिए और अपने सजेशन भेजते रहिए, और आपके सुझाव का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग के लिए कंप्लीट सेट है स्टडी करने का। ठीक है, इससे ज्यादा आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।